स्वच्छ भारत मिशन को लेकर अब जहां सामाजिक संस्थाएं आगे आने लगी हैं, वहीं औद्योगिक संगठन भी इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में आज फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्वच्छता मिशन को लेकर 100 रिक्शे उद्योग मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में नगर निगम को सौंपे, ताकि शहर में कूड़े के ढेर हटाए जा सके और स्वच्छता का माहौल पैदा किया जा सके। इस मौके पर उद्योग मंत्री का औद्योगिक संगठन ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उद्योग मंत्री ने भी उनके इस योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि 2 साल पहले शुरू हुए स्वच्छता अभियान का असर अब दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि आमजन के सहयोग के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता, इसलिए इस मिशन में लोगों को भी बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखानी होगी, ताकि प्रधानमंत्री का शुरू किया हुआ मिशन पूरा हो सके। मंत्री जी, क्या कार्यक्रम? आज FIA ने जो कूड़ा उठाने वाली रिक्शा है, 100 रिक्शा नगर निगम को गिफ्ट करी अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के तहत। तो आज सारे FIA के लोग थे जिन्होंने आज रिक्शा कॉरपोरेशन फरीदाबाद को हैंड ओवर किया। 100 रिक्शा हैंड ओवर किए। नहीं, नगर निगम के अंदर जितने पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी चाहिए मोटा मोटी सारे हैं, और आउटसोर्सिंग पॉलिसी हमारी सरकार ने बना रखी है, तो उसके तहत जब जब जो जो जरूरत होती है उस आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत हम लोगों को लेते भी रहते हैं। फरीदाबाद का पर्यावरण और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बाकी विधानसभाओं में देखा जाए तो कचरे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जिसके कारण बदबू और पर्यावरण काफी प्रभावित हो रहा है, उसके लिए क्या कदम है? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 साल पहले ये लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था, तो ये एक विकट समस्या थी, इसीलिए इसको आह्वान किया गया, लेकिन इसमें हम बहुत आगे तक बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे सारे काम को। आपने देखा होगा जो पहले की स्थिति थी वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती, उससे कुछ बेटर हुई होगी, और धीरे धीरे इस बात इस तरफ कार्यक्रम चल रहा है, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम के तहत नई नई मशीनरीज नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का काम हो, सब तरफ चल रहा है, और एक स्वच्छता अभियान एक लंबा प्रोसेस है, जल्द ही इसमें और अच्छे अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जो किया है उसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बहुत जबरदस्त उछाल आया, और लोगों में जो एक देशभक्ति की भावना है वो बहुत ज्यादा उससे आई है। तो उसके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है देश के लिए। अगर देश की तरफ कोई टेढ़ी आंखों से देखेगा भी तो उसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। ये इससे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के साथ साथ विश्व के अंदर जो भारत की लोकप्रियता है उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और बात भी ठीक है, कोई हमारे घर में आकर हमारे जिन लोगों का कोई दोष भी नहीं है, दोष रहित लोगों का कत्लेआम कर जाए और उनको कोई जवाब ना दिया जाए, उनको उनकी जरूरत को सिर्फ हम पॉलिटिकल एंगल पर भी बर्दाश्त करते रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, और कल सर्वदलीय बैठक भी थी, उसके अंदर भी सबने एक आवाज बुलंद करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार की जो नीतियां है पाकिस्तान के प्रति और इस तरीके का दुस्साहसी काम करने वालों के प्रति उसमें समर्थन किया है, कोई भी इसमें मतभेद नहीं। स्वच्छ अभियान को कामयाब करने के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान सिर्फ सरकारें पूरा नहीं कर सकती, जब तक आदमी जन जन मानस इसके अंदर एक एक बच्चे से लेकर बड़ा स्त्री पुरुष सब लोग इसके अंदर सम्मिलित नहीं होंगे और इसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा नहीं बनानेंगे, और क्योंकि रेगुलर निरंतर प्रक्रिया है, ये रोज स्वच्छता अभियान की जरूरत पड़ती है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और इसमें हम छोटे छोटे से अपने जीवन शैली में अमेंडमेंट करके इसे बहुत बड़ा और इसका जो इफेक्ट होने वाला है वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ आने वाली जनरेशन पर होने वाला है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, परसों गांधी जयंती है, 2 साल से अभियान बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है, इसमें इस अभियान को कोई सरकारी अभियान या किसी पार्टी का अभियान न समझ के अपना हमारा हमारी आने वाली जनरेशन के स्वास्थ्य की और उनके भविष्य की अच्छे भविष्य की कामना करते हुए इस अभियान में जोर शोर से जुड़े और शपथ लें कि कोई ना कोई कार्यक्रम और अपना जीवन शैली में बदलाव इस 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे। मंत्री जी, 2013 में बंधवारी ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, अब तक खराब पड़ा है, जिसकी वजह से फरीदाबाद उसके लिए भी निविदाएं आमंत्रित की हुई है, जल्दी उसके अंदर भी काम चलेगा। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो बहुत दिनों से जिस पर पूर्व की
मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन पूर्व के जो लोग थे जो सत्ता को देख रहे थे उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो आम जनता की दिक्कतें थी। लेकिन सरकार जागरूक है और सरकार की तरफ से जो भी स्वच्छता अभियान के अंदर काम करने पड़ेंगे, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। पाक में घुसकर आतंकियों के अड्डों का सफाया करने के सवाल पर उद्योग मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि मोदी का सीना 56 इंच का है। अगर हिंदुस्तान की ओर कोई भी टेढ़ी नजर से देखेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी हमारे घर में घुसकर कत्लेआम करके चला जाए उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यशपाल सिंह, फरीदाबाद, समाचार एक्सप्रेस।